तो दोस्तों इस समय अजय देवगन की मूवी थैंक गॉड को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। अजय देवगन की आने वाली मूवी थैंक गॉड ने लोगों की धार्मिक आस्था को आहत किया है। एक तरफ बात करें अजय देवगन की तो वो अपनी फिल्म थैंक गॉड में भगवान चित्रगुप्त के रोल में नजर आने वाले हैं, जबकि दूसरी तरफ जो कास्ट समाज है वो चित्रगुप्त जी को अपना आराध्य भगवान मानते हैं। एक तरफ फिल्म के मेकर्स ये सोच रहे हैं अगर हम फिल्म का नाम ही बदल देंगे तो समस्या ही समाप्त हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। लोगों को फिल्म के नाम से नहीं बल्कि फिल्म के जो कंटेंट है उससे प्रॉब्लम है। इस समय अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड जो इस समय मुश्किल में घिरती हुई नजर आ रही है। फिल्म के मेकर इंद्र कुमार और साथ में अभिनेताओं के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश जौनपुर में लोगों की धार्मिक आस्थाओं को आहत करने के लिए इन पर केस दर्ज किया गया था। उसके बाद कास्ट समाज के सदस्यों ने राजस्थान में फिल्म के खिलाफ शिकायत दर्ज किया है। सही सही बताया तो बॉलीवुड में एक लंबा दौर चला जहां पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना बहुत ही आम बात हो गया था। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में चाहे आप बॉलीवुड का साइड ले या साउथ के, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता था, बहुत ही आम सी बात थी। आप लोग धीरे धीरे बदल रहे जो कि सही भी है, आखिर कब तक लोग अपने ही धर्म का मजाक उड़ाना बर्दाश्त करेंगे। वैसे इन चीजों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।